सफीउल्ला गुज़श्ता 12 साल से रंग बिरंगे सॉटन या सिल्क के कपड़े पर गोटे और सिल्मा सितारे का काम कर रहा है। आरी की सुई से इंतहाई बारीकी से छोटे छोटे मोतियों को धागे में पिरोकर रूसी मलबूसात को दिलकश बनाने का ये हुनर उसे अपने वालिद से विरासत में मिला। बस घर की मजबूरी थी और पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था ना, इसलिए बस इस काम पर बैठ गए। हम इधर 14-14, 12-12 घंटे सुबह से रात को 9-10 बजे तक बैठते हैं। 300-350 रुपया होते हैं। एक हुनरमंद फिरोज खान का कहना है कि लकड़ी का फ्रेम, जिसे अड्डा कहा जाता है, पर सिल्क के कपड़े को टांग कर इस पर खूबसूरत डिजाइन का खाका बनाया जाता है। फिर इस खाके को रंग बिरंगे धागों से भर दिया जाता है और कारीगर अपनी महारत से इंतहाई खूबसूरती के साथ इन मलबूसात को मोतियों, कटदानों और सिल्मा सितारे से सजा देते हैं। ये तो बहुत बारीकी का काम है, बहुत जीरो साइज का मोती होता है, जीरो साइज का कटदाना होता है, वो हम इसमें लगाते हैं, बहुत बारीकी होती है इसमें। इस कारोबार से वाबस्ता कई अफराद अपने हुनर से खूबसूरत मलबूसात में रंग तो भर देते हैं, लेकिन इस हुनर में अनथक मेहनत के बाद इन्हें मिलने वाला मुआवजा इनकी जिंदगी के रंग फीके कर रहा है। इसका सब क्रेडिट जो है तो दुकानदार को ही मिलता है, क्योंकि हम तो हैं मजदूर, लेकिन हमारा इतना नहीं बनता। शरारे, गरारे और खड़े दुपट्टे पर पर्ल, कुंदन, कोरे दबके और डायमंड का काम आजकल खवातीन में ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अरूसी मलबूसात में कितने ही नित नए फैशन क्यों ना आ जाएं, फिर भी हाथ से बने इस गोटा किनारी के काम की अहमियत हमेशा बरकरार रहेगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ बुशरा बर्ड, समा, पिशावर।